माँ का कर्जा। एक दिन माँ और बेटे में बहस छिड़ गई। बेटे ने माँ को कहा, माँ तू हमेशा यही कहती है कि माँ का कर्जा कभी नहीं उतर सकता। अब मैं तंग आ गया हूँ सुन सुनकर। बता कितना कर्ज है, मैं आज सारा कर्ज चुका दूंगा। तुझे क्या चाहिए, सोना चांदी जेवर रुपये बता, मैं तुझे क्या दूँ जिससे तेरा सारा कर्ज उतर जाए। माँ ने बेटे से बड़े आराम से कहा, बेटा रुपये पैसे सोने चांदी से तो मेरा कर्ज नहीं उतरेगा। अगर तुझे मेरा कर्जा उतारना है तो एक काम कर, आज रात तू मेरे पास मेरे कमरे में सो जा। अगर तू एक रात मेरे पास सो जाएगा तो मैं समझूंगी तूने मेरा सारा कर्जा उतार दिया है। बेटे ने सोचा कि एक रात की तो बात ही है, सो जाता हूँ। माँ के पास जैसा तय हुआ था वह हिसाब से उस दिन बेटा माँ के कमरे में सो गया। जैसे ही बेटे को नींद आना शुरू हुई, बेटे को माँ ने जगा दिया और कहा, बेटा मुझे पानी पिला दे। बेटे ने कहा, अभी लाता हूँ। माँ ने थोड़ा पानी पिया और बेड पर फेंक दिया जहाँ बेटा सोया था। बेटा बोला, माँ तूने ये क्या किया, मेरा सारा बेड गीला कर दिया, अब मैं सोऊंगा कहाँ। माँ ने कहा, बेटा गलती हो गई, सो जा, थोड़ी देर में सूख जाएगा, एक रात की ही तो सोना है तुझे। बेटा जैसे तैसे उस गीले बेड पर सो गया। अभी आंखें भारी हुई थी तभी माँ ने जगा दिया, बोली, बेटा पानी पिला दे। अब बेटे को थोड़ा गुस्सा आया, वो कहा, माँ तुझे अभी तो पानी पिलाया था, इतनी जल्दी प्यास लग गई। माँ ने कहा, बेटा गर्मी बहुत है इसलिए प्यास लगी है, एक गिलास पानी और पिला दे। बेटे ने थोड़ा मुंह बनाया और पानी ले आया। माँ ने थोड़ा पानी पिया, वो बचा पानी फिर बेटे की जगह पर गिरा दिया। अब बेटे को गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। बेटे ने माँ को बहुत अपशब्द कहे। बेटे ने कहा, माँ तू पागल हो गई है, क्या तूने मेरे जगह पर फिर से पानी गिरा दिया, बार बार मेरा बिस्तर गीला कर दिया। इस बार बेटे ने माँ को दर्जनों बात सुना दी, फिर भी माँ कुछ ना बोली। माँ ने धीमी आवाज में कहा, बूढ़ी हो गई हूँ ना बेटा, गलती हो गई, एक रात की ही तो बात है, सो जा, अभी थोड़ी देर में सूख जाएगा। जैसे तैसे बेटा फिर गीले बिस्तर पर लेट गया। काफ़ी देर तक नींद नहीं आई। एक घंटे बाद फिर से बेटे की आंखें भारी होने लगी। माँ ने फिर से बेटे को उठा दिया और कहा, बेटा मुझे पानी पिला दे। माँ ने अभी इतना ही कहा था, बेटा झल्ला के उठा और बोला, भाड़ में जाए तेरा खर्चा, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में सोने। इतना सुनते ही माँ ने बेटे के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा और कहा, तू मेरा कर्जा उतारने चला था, तुझे एक रात मेरे कमरे में सोने को कहा और तेरा दो बार बिस्तर गीला कर दिया, तो तू भाग रहा है यहाँ से। मैंने तो तेरा बिस्तर साफ पानी से गीला किया, लेकिन जब तू छोटा था तो मेरा बिस्तर तेरे पेशाब और मल से गीला करता था, और मैं खुद गीले पर लेटी थी और तुझे सूखे में सुलाती थी। मैं सारी रात गंदगी में सोती थी, फिर भी मेरा प्यार तेरे लिए कभी भी कम नहीं हुआ। मैंने तो सिर्फ एक दो बार पानी ही मांगा था, वह तुझे इतना गुस्सा गया, लेकिन जब तू छोटा था तो कभी पानी कभी दूध मांगता था और मैं मुस्कुराकर अपने हाथों से पिलाती थी। जब तू रात को बीमार होता था तो मैं तुझे सीने से लगा सुलाती थी, तुझे लेकर आंगन में घूमती थी ताकि तू सो जाए। और आज तू निकला है माँ का कर्ज चुकाने, बेटा तू एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक भी माँ कर्ज नहीं उतार सकता। बिल्कुल सही है, माँ बाप का कर्ज कोई नहीं उतार सकता, और माँ बाप के महत्व का तो तभी पता चलता है जब कोई खुद माँ बाप बने। 10 बच्चे मिलकर भी एक माँ को नहीं पाल सकते, लेकिन एक माँ 10 बच्चे को पाल सकती है, यही विडंबना है संसार की। इस संसार में माँ बाप से बड़ा वो कोई नहीं, इसलिए इनका सम्मान करो, इनकी सेवा करो, क्योंकि जिसकी बदौलत इस दुनिया में आए हो वह माता पिता ही है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी प्रेरणादायक कहानी लाता रहूं।